सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। इस केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत कई लोग जेल भी जा चुके हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक केस में ऑटो ड्राइवर टेस्ट्रो मालिक समेत 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच खबर थी कि रिया ने पूछताछ के दौरान कहा था कि सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोना खंबाटा, रोहिणी अय्यर और मुकेश छाबड़ा समेत 25 मशहूर हस्तियां ड्रग्स लिया करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी के सहायक निर्देशक एपीएस मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि उनकी लिस्ट में किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम नहीं है। ये लिस्ट ड्रग पैडलर्स और ट्रैफिकर्स की है जो ड्रग्स खरीदते या लेते थे। बताया जा रहा है कि जब केपीएस मल्होत्रा से सवाल किया गया कि क्या रिया ने पूछताछ के दौरान सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोना सहित कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम लिया, तो उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि रिया ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया और ना ही ये नाम उनकी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा केपीएस मल्होत्रा ने कहा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह आनंद, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अनरेजा, संदीप गुप्ता और आफताब फतेह अंसारी के रूप में हुई है। आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोपियों को मुंबई में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स के सेवन को लेकर गिरफ्तार किया गया है। वो 14 दिनों तक जेल में रहेंगी। इस वक्त उन्हें मुंबई की भाईखला जेल में रखा गया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।